दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि यहां चाय वाले, रेहड़ी वाले और पान ठेले वाले चुनाव लड़कर बड़े पदों पर भी पहुंच सकते हैं। और यह भी सही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन्हीं दुकानों के इर्द गिर्द पूरी चुनावी चर्चाएं भी होती हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है, तो भला हम वास्तव में कैसे यह भूल सकते हैं कि इन दुकानों में चुनावी चर्चा नहीं हो रही होगी। हम इस समय खड़े हैं मंडला के नेताजी की दुकान में। फेमस और स्वादिष्ट आलू बंडा और समोसा के लिए नेताजी की दुकान मंडला जिले में प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से लोग समोसे लेने, आलू बंडे लेने आते हैं और इसी दौरान आपस में चुनावी चर्चा करते हैं। हम सीधे बात करते हैं कि आखिर मंडला में इस समय चुनावी माहौल क्या है और मंडला में क्या विकास हुआ है, आप बता सकते हैं? नहीं है। क्या होना चाहिए मंडला में? इस समय कोई बात नहीं। इस समय हमारे बीच खुद ही दुकानदार मौजूद है, सेठ हैं। मैं इनसे सीधे पूछूं, आपकी दुकान में लोग आते हैं समोसा लेने, दूर दूर से आते हैं, क्या चर्चाएं करते हैं, क्या स्थिति है, मंडला का विकास हो पाया है कि नहीं? अभी तो हर जगह चुनावी मुद्दा ही उठा हुआ है, लेकिन रहा सवाल विकास का, तो विकास केंद्रीय सरकार की तरफ से तो है, लेकिन जो राज्य सरकार की तरफ से वो आप सब नजर में ही है कि क्या विकास है, कैसा क्या है। समोसे लेने कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं? प्रभु पेपर से तो काफी दूर दूर से आते हैं और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो। और तो ज्यादातर मंडला में भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, क्या वास्तव में मुद्दे हैं चुनाव के? सही रोड, सड़क, पानी, रोजगार, बेरोजगारी, यही सब चीजें मुद्दे में है। और जहाँ तक अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार की जो योजनाएं हैं वो तो हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनको लागू किया जाता है और उनको क्रियान्वित किया जाता है वो सही नहीं है। तो इस कारण शिवराज सरकार की अभी जो साख है वो तो दाव पर लगी हुई समझ में आ रही है। शिवराज सरकार की साख दाव पर लगी है इस चुनाव में, ऐसा कहना है। हमारे बीच हमारे मंडला के वरिष्ठ नागरिक और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं श्री सुनील दुबे जी, हम उन्हीं से जानते हैं कि मंडला में क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं हुआ। मंडला में एक तो सबसे पहली चीज ये है कि जनप्रतिनिधि जो हैं वो आरक्षण के कारण एक वर्ग से आता है और बाकी 49% लोगों के पास ज्यादा कोई अवसर नहीं है और हमें इन्हीं लोगों में चुनना पड़ता है। खैर ठीक है, उनसे भी अच्छे मतलब प्रत्याशी लाए जाते हैं, लेकिन हमें जिस तरह से विकास और विकास का प्रबंधन होना चाहिए उसमें हमें प्रबंधन तो दिखता नहीं है। अभी जैसे जो भी चुनाव हुए स्थानीय निकाय वगैरह के, उसके जो परिणाम आए हों और उनके जो काम चल रहे हों उनकी जो स्थिति, उससे जनता भारी नाराज है। और मंडला एक तरह से पूरा अलग थलग पड़ा हुआ है, ना आवागमन की ज्यादा कोई अच्छी स्थिति है और ना और भी कोई रोजगार की अच्छी स्थिति है। ऐसी स्थिति में मंडला के बाजार में ज्यादा कोई गतिविधि नहीं है, भारी शिथिलता है आर्थिक, और सरकार की भी स्थिति बड़ी कमजोर है। सरकार कर्ज में डूबी हुई है और जब सरकार कर्ज में डूबी है तो मार्केट में पैसा नहीं है और सरकार के बहुत से भुगतान लंबित पड़े हैं। इस तरह से लोगों में एक आर्थिक निराशा भी बनी हुई है। सरकार में बजट की कमी है लेकिन सरकार रेवड़ियां बांट रही है विभिन्न प्रकार की, क्या कहना है? ये गलत है। क्या है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और धन रोजगार उन्मुखी हो। जैसे इतनी जंगल जमीन, नदी, खाने सब है, इनको रोजगार उन्मुखी बनाना चाहिए। आप सिर्फ बांट रहे हो, कर्ज ले लेके बांट रहे हो और उसमें कमीशन थोड़ी भी बहुत होती है, तो ये मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत अभिशाप है। एक तरह से पूरा बोझ उनके सिर पे आता है। महंगाई में पिस रही है आम जनता और भ्रष्टाचार चरम पर है। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, यहाँ शायद समोसा खाने आए हुए थे। भैया राय साहब, क्या कहना है कि कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है या वास्तव में कुछ क्या संभावनाएं लग रही? मंडला शुरू से उपेक्षा का एक साधन रहा,
हर दल आए, अपनी अपनी घोषणाएं, अपनी अपनी भविष्यवाणी करे और उसके बाद 5 साल तक उनको जाना नहीं, ना किसी से मिलना। यहाँ पे विजेता प्रत्याशी मंडला में खड़े हो गए हैं और दूसरे ने सत्ता छीन के प्रत्याशी, लेकिन जिन लोगों को टिकट नहीं मिली है, इस ढंग की विरोध की इधर पर बावी देखी जा रही है और वे तादाद से ज्यादा 10 प्रत्याशी जो खड़े हो गए हैं, तो ऊंट किस करवट पर बैठेगा उसे नहीं कहा जा सकता। यहाँ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना है आपका, जीतेंगे? कुलस्ते जी का ऐसा है कि अभी तक केवल वो अपने व्यवहार से जीत के आए, मंडा में थोड़ी बहुत तो उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया है, इसमें दो मत नहीं है, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, परंतु पिछले वर्ष में उसी संसदीय चुनाव में विधानसभा में उनकी हार हुई थी इधर पे निवास में, तो बड़ा एक आश्चर्यचकित एक प्रतिबंध है। फिर भी ऐसा लगता है कि कुलस्ते जी ने जो अपना यश कमाया है उसको संभवतः भंजा पाएंगे। क्या कहना है, बड़े कुलस्ते चुनाव जीत पाएंगे? क्यों लग नहीं रहा है? कौन क्या मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, क्या मुद्दा है? महंगाई के हमारे मामा जी हैं, वो जीतेंगे। कौन है मामा जी? कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मामा जी शिवराज सिंह चौहान जीतेंगे, ऐसा कहना है आपका। और इस हमारे बीच में तो मोदी तो है ही, हमारे बीच में शानदार समोसा का आनंद ले रहे हैं भाई, क्या नाम है आपका? ताम्रकार जी, क्या कहते हो इस चुनाव में किसका क्या मुद्दा है अपने मंडला में? मंडला में एक ही है, वो विकास नहीं हो रहा है ना, फैक्ट्री वगैरह कुछ लगी नहीं है, सरकारी फैक्ट्री सब बेरोजगार भगते बाहर काम में। तो क्या मतलब जो मुद्दा है, माने कुल मिला के बेरोजगारी एक मुद्दा है आपका कहना है, इस वो सत्ता के खिलाफ जाएगा? देखो क्या हो सकता है, जनता क्या डंडा देती है, ना मंडला में उद्योग है और ना ही तुम्हारे से कोई रोजगार के साधन है, ऐसा कहना हमारे हमारे बीच में दो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट है, समझदार लगे, इन लोगों की स्थिति क्या है शिक्षा में, क्या कहते हो मंडला में क्या होना चाहिए? मंडला में विकास की तो कमी है काफी सालों से, भाजपा की सरकार बनी हुई है, पूरा प्रदेश चेंज मांग रहा है अभी इस समय, चेंज जरूरी भी है, 18 साल से भाजपा की सरकार, क्या होना चाहिए मंडला? जैसे मंडला में, जैसे हम लोगों ने तो बाहर से पढ़ाई करी है, तो मंडला में कुछ मतलब कॉलेज वगैरह होने चाहिए, जैसे अभी मेडिकल कॉलेज बंद हो रहा है, लेकिन जब से फग्गन सिंह जी का पहला चुनाव जीता तो 5 सालों से वो चल ही रहा प्रोसेस, तो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें होने चाहिए, और युवाओं के रोजगार के यहाँ पे कोई साधन नहीं है। जैसे अगर अपन दूसरे शहरों को देखते हैं, जैसे छिंदवाड़ा मान लें या फिर किसी और शहर को, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज हैं या फिर पीपीओ वगैरह, जैसे हम लोगों को भी अब यहाँ से बाहर ही आना पड़ता है, हम दोनों ये पुणे में जॉब कर रहे हैं, मेरा बाहर है दिल्ली पे, तो अपने परिवार से दूर रहकर भी काम करना एक मतलब युवाओं के लिए थोड़ा परेशानी भरा है, तो अगर अपने शहर में ही कुछ हो या अपने प्रदेश में कुछ रोजगार के साधन हो तो इससे थोड़ा अच्छा हो जाएगा। युवाओं को शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ता है, नेता के समोसे आपको यहाँ तक खींच लाए जी, अच्छे लगते हैं नेता के समोसे? हाँ, समोसे तो बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत पुरानी दुकान है। चलिए बहुत बनो, कुल मिला के बात यह है कि चुनाव में लोग वादे तो करते हैं लेकिन उस वादे को पूरा करते नहीं है, और मंडला में जहाँ सड़क, बिजली और पानी और साथ साथ शिक्षा का अभाव है, यहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, यह दुर्भाग्य है मंडला का, राजनेताओं को इस पे विचार करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, नेता की दुकान से आपका दूत सुधीर उपाध्याय।